हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने दुपट्टे और स्टॉल का कलेक्शन। तो ये ना आपके पास ज़रूर होने चाहिए ऐसे वाले स्टॉल। फर्स्ट है, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ना ऐसे पैकेट्स में स्टॉल्स को रखती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, वेलवेट के जो स्टॉल होते हैं ना, वो एकदम से उसमें गंदा सा लग जाता है कुछ भी, कि मतलब कुछ रुआ टाइप का या कुछ एकदम चिपकता है वेलवेट में। तो मैं ना ऐसे वाले पैकेट्स, पन्नी जो होती हैं, इनमें रखती हूँ। तो मैं आपको फर्स्ट दिखा रही हूँ स्टॉल। तो ये है वेलवेट का स्टॉल है, ये देखो, ये है मरून कलर का स्टॉल है, और ये देखो इसमें ना ऐसे वाले ये लगे हुए हैं, ऐसे पूरा उसमें ऐसा ही बना हुआ है ये। पहन के भी ना ये बहुत सुंदर लगता है, और दूसरी बात, जब इसे साड़ी में पहनो ना वेलवेट को, तो ये बहुत सुंदर लगता है। साइड से डाल लो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि एक या दो वेलवेट के आप कलर्स अपने पास रखिए स्टॉल के। ये जाड़ों में बहुत अच्छे लगते हैं, ठंडी में आप इसे सूट्स में भी डाल सकते हो और उसमें भी डाल सकते हो साड़ी में। तो ये देखो मेरा ये फर्स्ट है कलेक्शन स्टॉल का। और अब मैं आपको एक वेलवेट का दूसरा दिखाती हूँ, वो भी सेम है। ये देखो सेम है, थोड़ा नहीं चेंज नहीं है, शायद सेम है। ये देखो, बस थोड़ा कलर अलग है, रानी कलर है, पूरा सेम, बस थोड़ा कलर चेंज है, रानी कलर है, और कपड़ा वगैरह सेम है। पर इसका कपड़ा ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इतना सॉफ्ट है इसका कपड़ा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कपड़ा है इसका। तो मैं तो आपसे यही बोलूँगी, अगर आपकी नई नई शादी हो रही है या वैसे भी, आपको वेलवेट का स्टॉल रखना चाहिए अपने पास, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आता है। आप सूट में भी पहन सकते हो और साड़ी में भी पहन सकते हो, शादी वगैरह में जाने में तो सुंदर लगता है। अब मैं आपको थर्ड दिखाती हूँ स्टॉल। मैंने सब ना ऐसी पैकेजिंग में ही रखा हुआ है, क्योंकि अगर कुछ दाग वगैरह लग जाएगा ना, तो सब ख़राब हो जाता है। स्टॉल नए नए होते हैं और ये ख़राब हो जाता है, तो पैसे वेस्ट होते हैं हमारे, फिर पहनने का भी मन नहीं करता, और पहनना क्या, फिर आप बाहर उसको पहन भी नहीं सकते। तो ये है वाइट, वाइट कलर में है, वाइट में ही है। ये वो बोलते हैं ना कश्मीरी टाइप का शायद, हाँ ऐसी कश्मीरी टाइप का ही बोलते हैं। पूरा ये ना थ्रेड वर्क है, देखो ये पूरा थ्रेड वर्क है, पूरी कढ़ाई करी हुई है इसमें, ये देखो। और पूरे में ऐसा है, और साइड में इसमें ऐसे झाड़ा टाइप के हैं लटकन, और ये पूरा ही ऐसा ही देखो। और ये सुंदर बहुत लगता है, ये भी साड़ी में बहुत सुंदर लगता है। ये तो मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर इतना ठंडा नहीं है, और इसलिए मैंने अभी यूज़ नहीं किया। पर जब यूज़ करूँगी ना, तो इसमें रील से अब कुछ बना के ज़रूर डालूँगी। ये देखो ये भी बहुत सुंदर है। ये सब मैंने ऑफलाइन ही लिया है, ऑनलाइन नहीं लिया है। और एक ऐसा ही सेम कश्मीरी में आपको दिखाता हूँ, ये देखो ब्लैक कलर है। ये देखो स्टॉल में ना, अगर जो वैसे आप शॉल टाइप के लेते हो, ये शॉल टाइप का है ये, और ये जो वाइट वाला मैंने आपको दिखाया था, शॉल टाइप का है ये, बट लेंथ इसकी वैसी वाली है, जो आप साड़ी वगैरह में भी आराम से पहन सकते हो, इतनी सी लेंथ है। ये भी पूरा ब्लैक में है, और ये भी बहुत ही खूबसूरत है। ये तो ये देखो, ये भी ना बहुत खूबसूरत है, ये देखो आप, इसमें भी कढ़ाई करी हुई है, थ्रेड वर्क है, और बहुत सुंदर है, ये भी प्यारा लग रहा था। आपके पास ना एक ब्लैक, वाइट, रेड, ये कलर ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ये कलर क्या होते हैं, सब में चल जाते हैं। मतलब आप किसी भी साड़ी सूट में डाल सकते हो, ब्लैक कलर, वाइट कलर, रेड कलर, मरून कलर, ये सब आप डाल सकते हो। तो ये तो आपके पास ज़रूर होने चाहिए। अब मैं
मैं आपको लास्ट अपना स्टॉल का कलेक्शन दिखाऊंगी, इसके बाद मैं आपको दुपट्टे दिखाऊंगी, पर स्टॉल मेरे पास अभी इतने ही हैं और कुछ और है मेरे शादी के जो मैंने घर पे रखे हुए हैं, वो मैं आपको बाद में कभी दिखाऊंगी किसी वीडियो में। तो ये देखो, ये भी वेलवेट ही है बट ये ना थोड़ा अलग सा है, वो जैसे कपड़ा थोड़ा वो था हैवी, ये थोड़ा देखो आप दिख रहा है इधर सा, ये थोड़ा लाइट वेटेड है। और ये है पर्पल कलर का, पर्पल कलर का है और इसमें ना ऐसे ये वाला काम है, ये देखो ऐसा काम दिया हुआ है इसमें, और पूरे में ही ऐसा है चारों तरफ से, और बीच बीच में बस ऐसे फ्लावर्स दिए हुए हैं इसमें, और ये भी बहुत सुंदर है। ये देखो ये है पर्पल कलर का। स्टॉल मेरे पास वेलवेट में जो है वो तुम पास तीन है, एक पर्पल है और एक मरून है और एक है रानी कलर में, और जो शॉल टाइप के हैं वो मेरे पास ये वाले हैं ब्लैक और वाइट, बट बहुत सुंदर लगते हैं। प्लीज़ अगर आपको स्टॉल लेने हैं ना तो आप ऐसे में ज़रूर लें, क्योंकि ये सब में चल जाते हैं और कढ़ाई वगैरह वाले होते हैं तो सब में शादी वगैरह में ना अच्छे लगते हैं इसको पहनने में। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना दुपट्टे का कलेक्शन। दुपट्टे मेरे पास हैं तो बहुत सारे, पर जो मैंने मेन रखे हुए हैं वही मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट मैंने रखा है फुलकारी, क्योंकि मेरा फेवरेट है फुलकारी, क्योंकि मुझे ना फुलकारी और पंजाबी जो दुपट्टे आते हैं अलग अलग टाइप के, वो बहुत सुंदर लगते हैं। क्यों, प्लेन अगर आप सूट बनाओगे ना तो प्लेन सूट के ऊपर ही फुलकारी इतने सुंदर लगते हैं कि बस पूछो मत। आप, मैंने भी बनाया है इसके साथ, एक पिंक कलर का सूट बनाया हुआ है, ये देखो इसमें साइड से ऐसे है और बीच में ऐसे पूरा फुलकारी वर्क है, ये देखो। और ये पहनने में ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसको साइड डालो या वैसे चुन्नी की तरह डालो, या अगर बहुत से लोग होते हैं जिनको पल्ले के लिए चाहिए होता है सर पे, बहुत से लोग यहाँ सर पे पल्ला करके रखते हैं पूरा, तो उन लोगों के लिए भी ना ये बहुत अच्छे हैं। एक तो ये फिसलते भी नहीं है ज़्यादा, आप इसको ऐसे डाल के रख सकते हो आराम से ऐसे करके, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं अगर किसी को ऐसे पहनने होते हैं तो। सेकंड मैं आपको दिखाऊंगी गोल्डन। गोल्डन क्या है, गोल्डन कलर सब में चलता है गोल्डन दुपट्टा, और इसमें आप देखो ऐसे पत्ती वाला पूरा थ्रेड वर्क से काम है, ये देखो पूरा पत्ती वाला थ्रेड वर्क से काम है, और ऐसे साइड में झालर टाइप के निकले हुए, और ये भी ना बहुत सुंदर है, ये देखो ये भी बहुत सुंदर लगता है पहनने में, प्यारा भी है, गोल्डन सब में चलता है तो इसलिए भी अच्छा लगता है गोल्डन कलर। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ, एक मेरे पास ना ये बांधनी टाइप बोलते हैं शायद इसको, राजस्थान में ऐसे बनता है शायद, ऐसी कुछ साड़ी वगैरह भी होती है ऐसी, तो ये है इसमें साइड में ऐसे लटकन दी हुई है, चारों तरफ दी हुई है लटकन, और ये देखो इसमें ऐसे ऐसा काम है, ये प्रिंट है इसका पूरा, और ये भी रेड बहुत सुंदर है, जिसकी नई नई शादी होती है तो ऐसा रेड ले सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल ब्राइट वाला रेड है और बहुत सुंदर है, ये देखो जब नई नई शादी हो ना तो ऐसा वाला रेड आप पक्का लेना एक बार, ये भी बहुत सुंदर दुपट्टा है मेरा। और नेक्स्ट दुपट्टा मैं आपको दिखाऊंगी येलो कलर का, येलो है ये, मैंने लिया था हल्द्वानी से, हल्द्वानी मार्केट से लिया था इसको मैंने, ये देखो इसमें भी ना साइड में ऐसे ही ऐसे वाले झालर लगे हैं, ऐसे वाले टाइप की लटकन जो होती है ना ऐसे पूरे में, मतलब एक साइड में 3 या 4 लगी हुई है इसमें, और ये भी बहुत प्यारा, बीच में इसमें ऐसे वाला ये वाला है, देखो ऐसे कुछ बना हुआ है इसमें राउंड राउंड से, थ्रेड वर्क का ही काम करा हुआ है, ये भी बहुत सुंदर दुपट्टा है। इसको ना साइड में भी ले सकते हो, और जो ऐसे पूरा दुपट्टा लेते हैं ना उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और सॉफ्ट बहुत अच्छा सॉफ्ट, ये देखो बहुत सॉफ्ट है और इतना अच्छा है ना, मतलब हल्का लाइट सा बहुत सुंदर है। और एक मैं आपको ऐसे ही लाइट में दिखाती हूँ, ये देखो ये भी मैंने हल्द्वानी मार्केट से लिया था, इसमें भी साइड में ऐसे लटकन टाइप के हैं, और ये ना प्लेन है,
आपके पास प्लेन में रेड वाइट ब्लैक होना चाहिए दुपट्टा, क्योंकि वो सब सूट में चलते हैं। तो ये एक रेड कलर का दुपट्टा है और ये भी लाइट वेटेड है और बहुत सॉफ्ट है, ये देखो। नेक्स्ट है वाइट। मैं आपको बोल रही थी कि वाइट दुपट्टा होना चाहिए क्योंकि वाइट सब में चलता है। ये देखो, ये मेरे पास वाइट दुपट्टा है और ये भी सॉफ्ट है बहुत। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा दुपट्टे और स्टॉल का कलेक्शन? कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा कलेक्शन मेरा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना और बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलना। मैं हर वीडियो में आपको ये बोलती हूँ कि बेल आइकन प्लीज़ दबाना, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी सारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।